बच्चे जहाँ कहीं भी हैं उनको मेरे पास पहुँचा दें। अस्सलाम वालेकुम, एलिगेंस न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका दोस्त यासिर हुसैन। मैं आज मौजूद हूं औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 गली नंबर 10 के एक मकान में, जहां एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिनके दो बच्चे, एक 10 साला और एक 8 साला बच्ची जो है वो तकरीबन 22 दिन से लापता हैं, मगर पुलिस उनको अब तक तलाश नहीं कर सकी। मैं उनके घर में मौजूद हूं और उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वाकया पेश आया, कैसे वो लापता हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, क्या वाकया पेश आया? बच्चे मेरे साथ गए थे सोना लेने के लिए। मैंने बोला बेटा 10 मिनट के लिए बाइक पे खड़े हो जाओ, मैं सोना लेकर आ रहा हूँ। वापस जब आया 10 मिनट में तो मेरे बच्चे नहीं थे। अच्छा, कहाँ गए थे सौदा लेने, कौन सी मार्केट थी? हफ्ता बाजार महाजीर चौक। जी, तो आपने थाने में कंप्लेन करी? थाने में कंप्लेन करी हुई है, पुलिस भी काम कर रही है अपना। मुकदमा काटा, मुकदमा दर्ज करवाया? जी, मुकदमा दर्ज करवाया। बच्चे जो है वो जाहिर सी बात है अब समझदार बच्चे हैं, 8 साल की बेटी है गालिबन और 10 साल का बेटा है, 10 साल का बेटा और 8 साल की बेटी, तो ये बताएं समझदार बच्चे थे, क्या लगता है कि कोई ऐसी आपकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई इस तरह मामला? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं हमारी। ठीक है, तो जनाब इंतहाई गरीब फैमिली है और कोई दुश्मनी भी जो उनके वालिद साहब ने बताया कि कोई दुश्मनी भी उनकी किसी से नहीं है। मोटरसाइकिल पे गए थे हफ्ता बाज़ार महाजू चौक के पास और वहाँ से दोनों बच्चों को खड़ा करने के बाद मोटरसाइकिल के पास और वहाँ कुछ सामान लेने के लिए जैसे ही गए 10 मिनट बाद वापस आए तो दोनों बच्चे लापता थे। तो इन बच्चों का क्या नाम क्या था और ये क्या पढ़ते थे या काम करते थे? पढ़ते नहीं थे, घर ही में काम करते हैं, नग वग लगाते हैं कपड़ों पर। बेटी का नाम अलीशा है, सोनू बोलते हैं प्यार से, और बेटे का नाम अरशद है। किसी से अपील करना चाहेंगे बच्चों के लिए? बस मैं आला हुकाम से यही अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे जहाँ कहीं भी है मुझ तक पहुँचा दिया जाए बस, और मेरे किसी से कोई वो नहीं है, मेरे बच्चे मुझ तक पहुँचा दिया जाए बस। आप किस चीज़ का काम करते हैं? मैं लकड़ियाँ काट के बेचता हूँ। तो ये थे बच्चों के वालिद, इंतहाई गरीब फैमिली है, वालिद साहब जो है वो लकड़ियां काट के बेचने का काम करते हैं, बच्चा जो है बच्चा और बच्ची घर में नग लगाने का काम करते हैं, और जहां पर भी बच्चे हैं आपके स्क्रीन पे जो है बच्चे की और बच्ची की दोनों की तस्वीर भी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। पुलिस में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मगर अब 22 दिन के बाद भी पुलिस जो है वो अब तक बच्चों को तलाश नहीं कर सकी है। अब यहाँ पे जो वालदेन हैं और इलाके के जो लोग हैं, इनके आसपास के पड़ोसी, इनके रिश्तेदार, तमाम ही लोगों की अल्लाह हुक्काम से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो है दोनों बच्चों की तलाश जो है वो मुकम्मल कर ली जाए, बच्चों को बाजियाब करवाया जाए। अगर किसी ने अगवा किए हैं, अगर वो कहीं गुम हो गए तो उनको फौरी तौर पर उनको ढूंढ लिया जाए ताकि इनके बच्चे जो है वो इन तक पहुँच जाएँ। अच्छा, यहाँ पर आप मुझे भी बताइएगा कि और भी इनके बहन भाई हैं या यही दो बच्चे? जी, बहन भाई हैं, एक बेटी है, एक बेटी अंदर है, एक बेटा बाहर है। कितने, 5 बच्चे हैं? 7 बच्चे जी। ये कौन से नंबर पे? ये 5वें नंबर और 6ठा नंबर जी। ठीक हो गया, तो ये 7 बहन भाइयों में दोनों बच्चे थे, एक 5वें नंबर पे था, एक 6ठे नंबर का बच्चे थे इन दोनों, और दोनों ही 22 दिन से तकरीबन लापता हैं, और जहाँ कहीं पे भी हैं जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर किसी को इन बच्चों के बारे में मालूम है तो एड्रेस आप देख रहे होंगे दूसरे विंडो में जो एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, तो बराए मेहरबानी उन तक पहुँचा दें या इस टेलीफोन नंबर पे फ़ोन करके बताएं कि इन बच्चों के बारे में अगर किसी को भी ज़रा भी इतला है तो फौरी तौर पर, क्योंकि इनके माँ बाप जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। हफ्ता ले दिन वालिद साहब के साथ गए थे सौदा लेने के लिए, सब्जी वब्जी लेने के लिए, बस वहीं से लापता हो गया, वापस नहीं आए। जिसके पास भी मेरी बच्ची है सही सलामत मेरे पास पहुंचा दे। नहीं, कोई से भी क्लास में नहीं पढ़ते। क्या अपील करेंगी पुलिस से, वजीर आला से, गवर्नर से, आला हुकाम से, क्या अपील करेंगी? यही अपील करना चाहती हूँ, मेरे बच्चे जहाँ कहीं भी हैं उनको मेरे पास पहुंचा दे।
सर सपोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक है पूरा इलाका इनके साथ ही है और तकरीबन सभी इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ जाना पड़ रहा वहाँ जा रहे हैं। थाना पुलिस और दीगर मामलात में हम लोगों ने बड़ी इनकी हेल्प की है, लेकिन बात यही है कि बहुत अफसोसनाक वाकया है ये बहुत बड़ा सानिया है कि अगर एक बच्चा, जिस तरह आप भी समझ सकते हैं कि एक बच्चा अगर गुम होता है, किडनैप होता है, जो भी हादसा उसके साथ होता है, तो वो एक बच्चा होता है वो समझ में आ जाता है चले जाए हादसा ही मामले में हो गया। ये तो एक कुछ समझ से बाहर है कि प्लानिंग के तहत हुआ है या किस तरह 5 मिनट के अंदर दोनों बच्चे और बच्चे दोनों समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि वो बोलना नहीं जानते या उनको घर नहीं पता, उनको रास्ते नहीं पता। ये हमारे जो दोस्त हैं ये अपनी बाइक खड़ी कर गए, बच्चों को कहा 10 मिनट में बेटा मैं सामान लेकर आ रहा हूँ, मेरे ख्याल 10 मिनट से ज़्यादा लगे भी नहीं। वहाँ से जब ये रिटर्न आते हैं तो दोनों बच्चे जो ना एक वक्त में यानी गायब हो गए हैं, वो और कुछ ये समझ लगे एक तिस्माती काम हो गया है, कोई जादू हो गया है। सर पुलिस का तो ऐसा है कि इसमें कोई डकैती तो है नहीं, कोई चोरी नहीं है जिसकी हम पे शुबा हो, या कोई किडनैप किया गया हो तब उनको ये कहें कि जी यहाँ पर हमें कुछ जिस शख्स पर शुबा है, तो पुलिस मज़ीद ज़्यादा एक्टिव हो। पुलिस अपने मामलात कर रही है, उनको हमने एक पहले उनको रिपोर्टिंग कराई थी, रिपोर्टिंग पे उन्होंने हमें एक पर्ची बना कर दी, फिर एक FIR तक जब बात पहुंची, FIR उन्होंने हमें क्लियर करके दी और कंफर्म दी। उसके बाद पुलिस FIR के बाद मज़ीद एक्टिव हो गई है, कल भी उनके अफसरान आए थे, तफ्तीश की, मामलात किए, और जो ऑन स्पॉट जहां ये हादसा हुआ है वहां वो पहुंचे, वहां पर उन्होंने लोगों से मालूमात की और दीगर वो मामलात कर रहे हैं। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही, अपने दोस्त चाचा को दीजिए इजाज़त, अगली नई किसी वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।